बैक टू आवर चैनल इजी मैथमेटिक्स फॉर यू। आज पॉलीनोमियल के स्पेशल प्रोडक्ट्स में देखेंगे आइडेंटिटी नंबर 2, दैट इज स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। a माइनस 7 को मल्टीप्लाई करना है a माइनस 7 से। एक मेथड तो इसका ये है जो आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स में बताया गया था कि फर्स्ट ब्रैकेट की हर एक टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड ब्रैकेट की हर एक टर्म से। और सेकंड मेथड जिसमें कि हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर ये जो आइडेंटिटी है इससे कंपेयर करते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो a है और सेकंड टर्म है यहाँ पर 7। तो इसे कंपेयर करते हैं, फर्स्ट टर्म का बनेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मिडिल टर्म में आएगा माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म 7, और b का स्क्वायर करना है, मीन्स सेकेंड टर्म b वहाँ 7 है तो 7 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए, ए स्क्वायर माइनस 2 7 14, न्यूमेरिकल कोफिशेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे और लिटरल कोफिशेंट वहाँ a है तो a ही रहेगा बस। एंड लास्ट टर्म इज होल स्क्वायर ऑफ 7, इट इज 49। सो फाइनल आंसर इज ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 49। तो इस तरह आपने देखा आइडेंटिटी यूज़ करके हम दो पॉलीनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करें आप इसकी, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस किया करें। यहाँ मेरा काम आपको आपकी आपका जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करना है और उसके बाद आगे का काम आपका है। So that's all for today. Thank you so much.